फाइनली आज के मंडे नाइट रॉ में हमें फिर से एक बार अंकल हॉडी का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और तो और एक और मैच अनाउंस हो गया है क्राउन जुल के लिए और बॉशन रेड ने काफी डेंजर तरीके से अटैक किया सेथ रॉलिंस के ऊपर। तो गाइस एग्जैक्टली स्टार्टिंग से क्या कुछ हुआ चलो मैं आपको बता दे रही हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले जैसे ही आज मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें बॉशन रेड दिखते है, उसके बाद देखने को मिलता है की बैकशेजी सेथ रॉलिंस पीछे से आकर अटैक कर देते है बॉशन रेड के ऊपर और तभी देखते है ऑफिशियल आ जाते है इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। फिर सेथ रॉलिंस को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो दौड़ते दौड़ते रिंग में आते हैं। फिर आप लोग बोल सकते हो कि हमें सेथ रॉलिंस का एक छोटा सा सेगमेंट टाइप देखने को मिलता है जहाँ पे आप बोल सकते हो वो आते और बोलते हैं रोशन रेड आपको फेमस होना है ना, आप आओ मेरे से लड़ो आप फेमस हो जाओगे। यार पता है इन लोगों का मैच शार्ट ही नहीं होता है, कोई फाइट ही करने नहीं आता है, उतने में एडम पियर्स आ जाते हैं। हर टाइम देखने को मिलता है कि एडम पियर्स ऑफिशियल पहले से ही रेडी हो जाते हैं और वहाँ पे आके खड़े भी हो जाते हैं। मैच शार्ट भी नहीं हुआ है, फाइट शार्ट भी नहीं हुआ है, वैसे ही ऑफिशियल आ जाते हैं वहाँ पे। और गाइस आप बोल सकते हो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है मुझे रोशन रेड और सेथ रॉलिंस का रिवलरी, बट फिर भी WWE हाइप क्रिएट करके दिखाती है। और सोचो ना ऐसा 3 बार देखने को मिल चुका है आज के रो में जहाँ पे 3 बार अटैक कर चुके हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर। और आज तो एडम पियर्स भी इन लोगों को रोक नहीं पा रहे थे जिसकी वजह से उनको कंफर्म करना पड़ा कि इनका मैच हमें देखने को मिलेगा क्राउन ज्वेल में। यानी कि गाइस आप लोग बोल सकते हो कि फाइनली एक और मैच शेयर कर लो रोशन रेड वर्सेस सेथ रॉलिंस का क्राउन ज्वेल के लिए। यार सोचो ना मुझे उतना इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है इनके मैच को लेके क्राउन ज्वेल जैसे बड़े इवेंट में, इतना छोटा सा मैच आप सोचो ना एक बार। बट मैं आपको एक बात कंफर्म कर सकती हूँ कि इस बार का क्राउन ज्वेल उतना इंटरेस्टिंग होगा ही नहीं क्योंकि अभी से ये हाइप क्रिएट ही नहीं हो रहा है। आगे बात करते हैं आज के मैच में हमें अंकल हॉडी भी दिखते हैं। एक्चुअली होता ही है ना कि न्यू डे वर्सेस AOP का टैग टीम मैच हो रहा होता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए और उसी मैच के लास्ट में देखने को मिलता है कि अंकल हॉडी आते हैं और अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से अंकल हॉडी का एक कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। मतलब आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि रिंग एरिना में AOP की व्हाइट 6 ने पूरी हालत ही खराब कर दी थी। और एक टाइम ऐसा भी देखने को मिलता है कि मिच रिंग में एकदम अकेले थे, पीछे से आके अंकल हॉडी आते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। तो गाइस आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से काफी दिनों बाद हमें अंकल हॉडी दिखे रॉ में। तो गाइस मैं आपको एक एक करके बता दूंगी कि आगे क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। वैसे आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर।